तो हरियाणा में डीसी रेट वैकेंसीज़ का जो भी इंतजार कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है क्योंकि चौधरी देवीलाल कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड गोहाना में कुछ वैकेंसीज निकली है आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट टू के तहत जिसमें आपको सैलरी दी जाएगी डीसी रेट के आधार पर तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एज़ पर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट टू तो चौधरी देवीलाल कोऑपरेटिव शुगर मिल में काफी सारी वैकेंसीज निकली है अलग अलग पद पर आप इस वीडियो को पूरा देखना मैं आपको इस वीडियो में सभी प्रकार की जा, जानकारी दूंगा तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट मैं विच विल बी फिल्ड अप इन अकॉर्डिंग पार्ट टू ऑफ द आउटसोर्सिंग पॉलिसी अडोप्टेड बाई द हरियाणा गवर्नमेंट विद रेमेशन मैं इन तो जो पार्ट टू के तहत जो सैलरी दी जाती है वो वो भी वही आपको यहां पर दी जाएगी एंड विल बी स्ट्रिक्टली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस तो ये वैकेंसीज बेसिस पर है कब तक रहेगी जितना इनका ये सीजन चलेगा जो इनका शुगर केन का सीजन होता है या फिर 31 मई 2022 तक या फिर जब तक रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती है इन तीनों में से जो भी पहले होगा तब तक आपकी ये जो है जॉब रहेगी स्टैंडर्ड रिजर्वेशन पॉलिसी को अपनाया जाएगा जो भी पार्ट टू के तहत अपनाई जाती है द एप्लीकेंट मस्ट मस्ट प्रोसेस द फैमिली आई या फिर परिवार पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन लास्ट डेट कब तक है शाम के पांच बजे तक चौबीस नवंबर दो इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ऑफिस ऑफ द दाइंड या फिर आप ईमेल के माध्यम से भी जल्दी से जल्दी अपने आवेदन कर सकते हैं सी डी एल एस एम गोहाना एट जी मेल डॉट कॉम इस पर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना डायरेक्टेड टू देयर मोबाइल नंबर ई मेल आई डी पोस्टल एड्रेस एज वेल क्विक कॉन्टैक्ट तो आपको मोबाइल नंबर ई मेल और एड्रेस भी लिखना होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो नीचे एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया है वो अभी तो आपको इंटरव्यू के, तो के लिए बता दिया जाएगा गोहाना सुगर्स डॉट कॉम वेबसाइट पर 25 नवंबर को आपकी लिस्ट जो है वेबसाइट पर डाल दी जाएगी और इंटरव्यू कब है सुबह दस बजे 26 नवंबर 2021 को कहां पर ऑफिस ऑफ द अंडरसाइंड इन द मिल्स प्रेमाइसिस पॉइंट है द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट एन एफिडेविट प्रिस्क्राइब बाय द गोहाना कोऑपरेटिव सुगर मिल्स रिगार्डिंग हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन तो आपको देखिए जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे मतलब कि जब आप जॉब लेना चाहेंगे तब आपको एक एफिडेविट -E -E भी देना होगा जिस पर आपको आउटसोर्सिंग पॉलिसीज की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं उसे एक्सेप्ट करना होगा तो चलिए अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज निकली है और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो आप देख सकते हैं सबसे पहली वैकेंसी है केन यार्ड सुपरवाइजर की तीन वैकेंसीज हैं बीएससी एग्रीकल्चर में मांगी गई है सेकंड डिवीजन के साथ प्रेफरेंस की नहीं दी जाएगी जो भी ग्रेजुएट होंगे इन तीन यूनिवर्सिटीज से जैसे कि है पहले एच ए यू हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जीबीपीए या फिर पीएयू से कंप्यूटर कोर्स भी आपने किया होना चाहिए अप टू ओ लेवल तक का उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है केन क्वालिटी सुपरवाइजर की तीन वैकेंसीज है बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड डिवीजन में वही सेम एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन मांगी गई है जो ऊपर मांगी गई थी उसके बाद है क्लर्क की चौदह वैकेंसी कैटेगरी वाइज डिवीजन आप देख लीजिए जनरल की और एस की है दो ऐसे आप आगे देख लीजिए बारहवीं पास मांगा गया है लेकिन फर्स्ट डिवीजन के साथ अगर आप बारहवीं में पास फर्स्ट डिवीजन के साथ नहीं है तो ग्रेजुएट मांगा गया है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में 25 हिंदी में और सेल हैव टू क्वालीफाई सेट सी एस प्रिस्क्राइब इन रूल इलेवन ए तो एस सी का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको पास करना होगा मैथमेटिक्स के साथ और तीन महीने का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में दो साल का अनुभव भी मांगा गया है लैब इंच या फिर आठ साल का लैब केमिस्ट का इन अगर मिल प्रेफरेंस उन्हें दी जाएगी डिप्लोमा इन सुगर टेक्नोलॉजी होगा जिसके पास एन एस आई या फिर बी से और ओ लेवल तक का कंप्यूटर का आपके पास कोर्स होना चाहिए उसके बाद है नेक्स्ट पोस्ट लैब केमिस्ट की तीन वैकेंसीज है बीएससी डिग्री फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सेकेंड डिवीजन के साथ ओ लेवल का सर्टिफिकेट नेक्स्ट पोस्ट है पीएच रिकॉर्ड एनालिस्ट तीन वैकेंसीज बारहवीं पास साइंस में होना चाहिए दो साल का अनुभव उसके बाद है नेक्स्ट पोस्ट सेंट्रीफ्यूगल ऑपरेटर पांच वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप देख लीजिए आई आई होना चाहिए एक साल एक सीजन का अप्रेंटिसिप ऑन सेम स्टेशन पर आपका जो है अनुभव होना चाहिए एज एन अप्रेंटिसशिप उसके बाद है सैंपल बॉय या फिर लैब बॉय दो वैकेंसीज है दसवीं पास साइंस के साथ एक साल का अनुभव अप्रेंटिस के तौर पर पेनमैन एक वैकेंसीज है यानी कि दसवीं पास सेकेंड डिवीजन के साथ विद सुगर बॉइलिंग सर्टिफिकेट कोर्स उसके बाद है और उसके साथ साथ है पांच साल का अनुभव एज असिस्टेंट पेनमैन उसके बाद है पेन इंचार्ज एक वैकेंसी दसवीं पास सेकेंड डिवीजन के साथ सुगर बॉयलिंग सर्टिफिकेट पांच साल का अनुभव विथ टोटल टेन ईयर एक्सपीरियंस एट पेन कंट्रोल उसके बाद है बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर डिग्री मांगी गई है किस पचपन परसेंट मार्क्स के साथ किसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे आप पढ़ लेना दो साल का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए अगर यह सब नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए पचपन परसेंट मार्क्स के साथ आप पूरी क्वालिफिकेशन नीचे देख सकते हैं उसके बाद है असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल में दो वैकेंसीज हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पचपन परसेंट मार्क्स होने चाहिए एक साल का अनुभव या फिर डिप्लोमा होना चाहिए पचपन परसेंट मार्क्स के साथ तीन साल का अनुभव नेक्स्ट वैकेंसी है इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक दो पोस्ट है आईटीआई इंस्ट्रूमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में तीन साल का अनुभव उसके बाद है ए ई की वैकेंसी इलेक्ट्रिकल में यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पचपन मार्क्स के साथ एक साल का अनुभव ओ लेवल का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए साठ मार्क्स के साथ तीन साल का अनुभव पंद्रहवीं वैकेंसी है

उसके बाद है फायरमैन की दो वैकेंसीज मैट्रिक मांगा गया है सेकेंड क्लास के साथ आपके पास होनी चाहिए बॉयलर कंपिटेंसी एग्जाम पास होना चाहिए दो साल का अनुभव एज फायरमैन या फिर पाँच साल का एज वाटरमैन उसके बाद है वाटरमैन की दो वैकेंसी मैट्रिक एंड सेकेंड क्लास बॉयलर कंपिटेंसी एग्जाम पास होना चाहिए उसके बाद है बॉयलर अटेंडेंट मैट्रिक पास होना चाहिए सेकेंड डिवीजन के साथ होल्डिंग फर्स्ट क्लास बॉयलर कंपिटेंसी सर्टिफिकेट उसके बाद है टर्बाइन इंजीनियर अब पूरी जो है क्वालिफिकेशन दी गई है वो आप अच्छे से पढ़ लेना मैं अगर एक एक को पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा बी इन मैकेनिकल इंजीनियर डीसीएस ऑपरेटर चार वैकेंसी है आई टी आई इन इलेक्ट्रिकल एस बी आई यानी कि स्विच बोर्ड अटेंडेंट आई टी आई सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन फिटर थर्ड आई टी आई इन फिटर ट्रेड उसके बाद खालसी मिडल पास होना चाहिए यानी कि आठवीं पास होना चाहिए मोटर पंप अटेंडेंट आठ वैकेंसीज हैं आई टी आई इन फिटर ट्रेड उसके बाद है केन कटिंग ऑपरेटर आई टी आई इन फिटर ट्रेड उसके बाद है फीड पंप अटेंडेंट आई टी आई इन ट्विटर ट्रेड साथ में अनुभव भी मांगा गया है आप देख सकते हैं उनतीस प्रकार की वैकेंसीज निकली है किसी सबके लिए कुछ ना कुछ वैकेंसीज यहां पर निकली है तो आपको आवेदन कैसे करना है मैंने आपको ऊपर बता दिया है कब तक आपकी ये जॉब रहेगी वो भी मैंने आपको ऊपर बता दिया है किस मेल आईडी पर भेजना है एक बार फिर से बता देता हूं सी डी गोहाना एट जी मेल डॉट कॉम पर ऑफिशियल वेबसाइट है गोहाना सुगस डॉट कॉम लास्ट डेट भी मैंने आपको बता दी है इन सब का आपको पालन करना होगा चलिए तो चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की जो आपको फिल करके या तो ई पर भेजना है या फिर आपको वहां पर भेजना है तो चौधरी देवीलाल कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड गोहाना एप्लीकेशन फॉर्म है द हार्ड कॉपी टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन हिज ओन हैंडराइटिंग ऑल द कॉलम्स शुड बी प्रॉपरली फिल्ड इन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड सिमरली ऑल पोस्ट फिल्ड अप ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ड्यूरिंग क्रसिंग सीजन 2021-22 तो आपको अपनी हैंडराइटिंग में यह फॉर्म फिल करना है यहां पर आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड इस बात का आपको ध्यान रखना है सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए किसी गजिस्टेड ऑफिसर से यहाँ पर नहीं लिखा है पोस्ट अप्लाइड फॉर नेम फैमिली आईडी जो आपका परिवार पहचान पत्र है उसकी आईडी मेरिटल स्टेटस आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं सिंपल सी इसमें जो आप है आपसे डिटेल्स मांगी गई हैं कैटेगरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये सब आपको फिल करके ई मेल पर भेज देना है तो ये थी वैकेंसीज चौधरी देवीलाल कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड गोहाना में और ये वैकेंसीज हैं आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट टू के तहत और अगर आप एलिजिबल हैं इच्छुक हैं तो इन वैकेंसीज के लिए जरूर अप्लाई करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं उन तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए